एक्चुअली मैं एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ आपको। मैं कश्मीरी पंडित हूँ और मैं कश्मीर की पंडित है आप? जी हाँ, मैं डॉक्टर कविता हूँ और मैं उस जगह रहती थी जहाँ पे पीक मिलिटेंसी थी 1990 में, उसको सोपोर बोलते हैं। हमारे घर को कश्मीरी मिलिटेंट्स ने एक बेस बना लिया था क्योंकि हमारी बेसमेंट थी। तो वो सब जब मैं छोटी थी, हम माई मदर वॉज 9 months प्रेग्नेंट उस टाइम जब हमें वहां से निकाल दिया गया था। सबके घरों पे एक लेटर चिपका दिया जाता था, जिसको मरना है इसको मरना है इसको मरना है। तो उस टाइम माई मदर वॉज 9 months प्रेग्नेंट, डॉक्टर ने बोल दिया कि आप निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। वो पेन आप सोच सकते हो कि क्या पेन होगा हम लोगों का। अब हमें पता नहीं है कि मेरी मदर जो है ऐसे डिलेमा में है कि कहाँ डिलीवरी होगी, क्या होगा। और उस टाइम क्या होता था, हर के घर पे ऐसी चिपका दिया जाता था। मेरे जो पड़ोसी थे उनके जो मम्मी पापा थे, एक तो साइंटिस्ट थे, मदर डॉक्टर थी। तो जो साइंटिस्ट थे उस टाइम वो किसी कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर गए थे। जब वो वापस आए उनको रास्ते में मार दिया गया। उनकी जो वाइफ थी उनको ले जाया गया, घर से निकाल के उनका गैंग रेप हुआ। उतना ही नहीं, उसके बाद उनको आरी पे 4 टुकड़े करके कटवा के घर के सामने फेंका गया। ये सब कुछ हमारे मतलब मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, ये पेन मैंने फील किया है। आप लोग ये मतलब जो बाहर यहाँ रहते हैं कश्मीर से बाहर के लोग जो हैं उनको सबको पता भी नहीं होगा कि वो पेन क्या होता है। वो मतलब हमने कैसे टॉलरेट किया है वो वाला पेन। उसके बाद हम लोग चले गए, निकल गए वहां से रात के अंधेरे में एक टैक्सी में, सब कुछ छोड़ के वहां से। कुछ नहीं था हमारे पास, मैं मेरे पापा, मैं छोटी सी बहुत, मेरे पापा और मेरी मदर, हाई रिस्क बेबी था वो। बड़ी मुश्किल से हम लोग धक्के खाते हुए एम्स पहुंचे। एम्स में टेबल नहीं था कोई, डिलीवरी हुई। मेरे माँ बाप के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो मेरे भाई को कपड़े पहना सके। वो बच्चा 4 दिन ऐसे ही एक टॉवल में लिपटा रहा। मतलब इमेजिन करो आप, ये तो है कश्मीर के लोगों की स्टोरी जो कि आज तक किसी को पता नहीं है। ऐसा मेरे साथ हुई, तो मैं आपको रियल स्टोरी सुना रही हूँ। ये तो मेरे आप बीती है, तो मैं आपको अपनी कहानी सुना जो कितनी पेनफुल है। ऐसी हजारों स्टोरीज हैं। मेरे एक और हमारे पड़ोसी थे, उनके भी रिलेटिव्स रहते थे वहाँ पे, उनको तो गायब ही कर दिया गया, एसिड में डाल दिया गया जिंदा। इमेजिन करो, एसिड में डाली, डेड बॉडी नहीं मिली। कितनी कितनी फीमेल्स को उठा के ले गए, आज तक नहीं पता। सब वेट कर रहे हैं कब पता नहीं ये कोई वापस आएगा या नहीं आएगा। तो ये जो सारी स्टोरीज है, हॉरिबल स्टोरीज है, कोई इमेजिन नहीं कर सकता, कोई ये सोच नहीं सकता कि कश्मीरी लोगों पे ये सब कुछ। आज तक किसी ने कुछ बोला नहीं, आज तक किसी को कोई पेन फील नहीं हुआ। कश्मीरी पंडित भी रहते हैं कश्मीर में, ये किसी को समझ नहीं आया क्या आज तक दुनिया में? जानता क्या मतलब ये पेन जानता सारी बात। वो तो डिवाइड एंड रूल, अब्दुल्ला के खुद के बेटे, खुद के बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन सब फॉरेन में है, सब पढ़ रहे हैं वहाँ। और ये इलिटरेट लोग, क्योंकि वो इलिटरेट है उनको पता नहीं, उनको लिटरेट ही रहने देना चाहते हैं। वो कुछ नहीं कर सकते आगे, ये सब डिवाइड एंड रूल चलता रहेगा। पाकिस्तान से भी पैसा लेते हैं, इंडिया से भी पैसा लेते हैं। आप कश्मीर की स्थिति देखो, सब जगह से पैसा आ रहा है। ये जो बीच के डिवाइडर लोग हैं, कुछ भी बोलते हैं, लोगों को भड़काते हैं, ब्रेन वॉश कर देते हैं पूरा उनका, जैसे कि पूरी वैली में न्यूसेंस फैला के रखे। मतलब ये गलती किसकी है? ऐसे लोगों की गलती है। और हमें क्या करना है अब? हमें इन सब इसकी क्लैरिटी चाहिए, हमें आंसर चाहिए इन सब चीजों का। आप वहाँ से हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या देखते हैं कि किस तरह से जो है अब आखिरी समय चल रहा है, कैसे हल होना चाहिए इस समस्या का? आखिरी समय चल रहा है, हमें सलूशन चाहिए इस प्रॉब्लम का। हम ये मतलब ये नॉन हीलिंग अल्सर नहीं होना चाहिए कि हम थोड़ी सी दवाई लगा देते हैं, वो जो जख्म है वो थोड़ा सा भर जाता है, फिर थोड़े दिनों बाद उसमें से खून निकलने लगता है। ये नॉन हीलिंग अल्सर नहीं चाहिए, इसको काट के फेंको, इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करो। ये नहीं चलेगा, मतलब हमें ये नहीं चलेगी कहानी, नहीं चलेगी, इसको जड़ से खत्म करो। दिस इज व्हाट वी वांट। देखिए ये जो है एक कश्मीरी पंडित है और इनकी आप भी तीनों ने सुनाई, काफी दर्दनाक कहानी है। और ये एक नहीं, हजारों सैकड़ों जो है कश्मीरी की कहानी है। इस समय जो है पूरे कश्मीर को और पूरे हिंदुस्तान को चाहिए कि वो एकजुट हो और इस आतंकवाद के नासूर को जो है, जो नासूर बन चुका है इस समय, उसका इलाज करे। मुझे एक बात को आंसर चाहिए, ये कश्मीर में इतना बड़ा मैसेकर हुआ, बच्चे बूढ़े फीमेल लेडीज जेंट्स सबको मार दिया गया, बिट्टा कराटे ने मारा, सबको पता है, वो फिर भी आज घूम रहे हैं। किसी ने उसको नहीं पकड़ा, किसी ने उसको नहीं मारा, आर्मी को फ्री हैंड दे दी, वो फिर भी घूम रहे हैं अभी आज तक। 70 साल हो गए इस बात को चल रहा है किस्सा। हु इज रिस्पॉन्सिबल? ये मतलब पॉलिटिशियंस, ये गवर्नमेंट और ये सारे जो खेल चल रहा है, ये कब तक चलता रहेगा? बस मेरा एक ही क्वेश्चन है। शर्म आनी चाहिए दरअसल उन नेताओं को, शर्म आनी चाहिए जो जो है इस तरह की जो आदतों पर भी जो है राजनीति कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए।